एंटर एट योर ओन रिस्क। शादी के बाद की बात, जैसे ही मैं उठा नहीं, मैं उड़ा बिस्तर से। मैंने कहा अबे तू इधर क्या कर रही है? शी लाइक अबे साले शादी हो गई हमारी। हंस रहा है लेकिन दुखी है लड़का अंदर से, शादी जो हो गई है। अच्छा तू तो गया एग्जैक्टली। मुझे आदत नहीं है, मेरा पास्ट क्या था मुझे बताओ। I haven't dated a चुड़ैल except for you. तुझे ना अब तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ के आऊंगी मैं। बेसिकली ये है हमारा घर, मस्ती की पाठशाला। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। हाय, वेलकम टू आवर हाउस। एंड आने से पहले आपने शायद देखा ही होगा कि इस घर का नाम जो है वो है मस्ती की पाठशाला एंड एंटर एट योर ओन रिस्क। एक्चुअली ऐसा कुछ खास नहीं है, बस हमारे पापा का 75th बर्थडे था तो इसलिए ये थीम पार्टी थी। एंड घर में आते ही सबसे पहले इनसे मिलिए जो यहाँ चाय बनाने की एक्टिंग नहीं कर रही है, जेन्यून चाय बना रही है। जेन्यून चाय है, मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सच में काम कर रही हूँ यहाँ पे। चल झूठी, अरे ये तो सेट वाली चाय लग रही है मुझे। अरे अरे अरे, अरे, अरे। So, हमारे घर में आपका स्वागत है। आते ही पहले हैं बुद्धा जी, हमारे यहाँ प्लेस है। क्योंकि हम सभी बहुत शांति पसंद लोग हैं, इसलिए हम This is how we welcome people. Please come inside. वो किचन है, वहाँ इग्नोर कर दीजिए क्योंकि वहाँ संगीता चाय बना रही है। फिर हमारा आता है ये हमारा डाइनिंग टेबल एंड ये है हमारा सिटिंग एरिया। बेसिकली ये है हमारा घर। So, हमारा घर लाइक एज यू कैन सी इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक। एक्चुअली बाकी कुछ चीज़ें बाकी एलिमेंट्स एंड इट्स अ क्रीम वेरी अर्थ कलर एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वुड इन द हाउस। एवरीथिंग इज़ वुडन एंड सो बेसिकली बेज एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। दूसरी चीज़ें बेसिकली जो हमारी फेवरेट है वो है नेचर। सो इसलिए आप देखेंगे हर रूम में फ्रेंच विंडोज़ हैं ताकि मैक्सिमम हवा और लाइट आ सके। ये जो है एसी वो सब शो ऑफ के लिए है क्योंकि हम में से किसी को भी एसी पसंद नहीं है। वी लव नेचुरल एयर एंड यू कैन फील इट कि you know, जिस घर में नेचुरल एयर होता है वो हम वही घर लेते हैं। मेरा ये जो नेफ्यू और नीस जो अभी आ रहे हैं वो हमेशा बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू पीपल, ये रोज़ रोज़ सनसेट देखने का क्या मतलब है यार। उनको क्या पता कि सनसेट कितना रोमांटिक होता है। वेलकम टू द व्यू, तो दैट्स योर एंटायर सी व्यू। हमारा पूरा लॉकडाउन इसी घर में निकला है तो दिस इज़ समथिंग विच वी रियली रिलिश बिकॉज दिस वाज आवर एग्जिट टू द वर्ल्ड। यहाँ से बाहर आते थे और बाहर की दुनिया से यही कनेक्शन था बस। एंड दैट्स हाउ वी सर्वाइव्ड आवर एंटायर लॉकडाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वेलकम टू आवर बेडरूम। सो ये है हमारा बेडरूम। इसका एक अलग लुक एंड फील है। मुझे अपने बेड से सब कुछ मैच करना था। बेड इट्स अ लेदर बेड सो वी वांटेड लेदर वॉल टेक्सचर वॉल्स फॉर अस एंड वो सारी और लेदर के साथ साथ एक आर्टिस्टिक रूम। तो इसके लिए वी लव्ड येलो एज अ कलर, तो उसके ब्रश स्ट्रोक्स किए हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कंप्लीट येलो वॉल। एंड ये दिस इज़ आर वी कॉल दिस आर स्पेस ऑफ जॉय, माई स्पेस ऑफ जॉय। और ये है सेल्फ ऑब्सेशन की हद जहाँ हम क्या बोलते हैं अपने फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगा रखे हैं। आई थिंक इसमें संगीता कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन दिस रूम। 1 सेकेंड, आई जस्ट कॉल हर। या सो मैंने सुना है आप इस कमरे को स्पा बना के रखते हो एकदम। कोशिश करती हूँ। I mean, मुझे अच्छा लगता है वो थोड़ा अच्छी फ्रेग्रेंस हो, चाहे वो लेमन ग्रास हो या वो कैम्फर हो, थोड़ा सिट्रिक या अपलिफ्टिंग या रिलैक्सिंग, डिपेंडिंग ऑन माय मूड उस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत है। कुछ फूल हो, अगर कुछ पौधे हो, थोड़ा ग्रीन हो, अच्छा सा सूदिंग म्यूज़िक बज रहा हो। अगर उसको स्पा बुलाते हैं तो वो स्पा है। मेरे सारे को एक्टर्स बोलते हैं मैं अभी 2 महीने में घर पे आने के लिए भी सिर्फ 4-4 घंटे मिलते थे, बट दे वर लाइक तू वापस जा रहा है संगीता के पास, वो घर को है ना एकदम स्पा बना के रखती है। सो आई एम टेलिंग यू, आई किड यू नॉट, मैं एंटर होता हूँ, इसकी पिंक लाइट हर तरफ फैली हुई है, ऐसे ड्रामेटिक लाइटिंग रहती है आधी रात को, देन प्लांट्स वगैरह डेकोरेटेड रहते हैं, फिर हर तरफ आप देखेंगे वो दीज सेंटेड कैंडल्स जो आप देख रहे हैं उसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है, एंड एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चल रहा होता है, एंड लाइक एक हल्की सी लाइट बाहर से आ रही होती है, इधर से ये सब व्हाटएवर दिस मूड लाइटिंग करके रखती है। सो या दिस इज़ लाइक रियली अमेजिंग दैट यू नो द वे शी मेक्स दिस रूम लाइक अ स्पा, एंड इट इज़ अमेजिंग। अगर 4 घंटे की भी नींद अगर मिलती है तो थैंक्स टू हर, इट्स लाइक रियली अमेजिंग नींद। तो जो पूरा इस रूम का जो क्रिएशन है, मतलब क्रिएटिविटी है, इसमें सिर्फ आपका योगदान है या इनका भी? नहीं नहीं, इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इनका और हमारे एक फ्रेंड जिनका नाम गौरव एंड नेहा, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस रूम में डेकोरेट करने में। जितना चाहिए था उतना ही दिया, सो इट वाज ऑल डिज़ाइन टेलर मेड टू परफेक्शन हाउ एग्जैक्टली वी वांटेड इट, सो दैट्स हाउ इट वाज डन। यस, सो इसके बारे में क्या कहानी है? तो इसके बारे में ये है कि बड़ी मुश्किल से ये आदमी माना है ये फ़ोटो लगाने के लिए। मैंने कहा याद तो रहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हो गई है, बार बार भूलते रहते हो यार, यहाँ देख लिया तो डर गए, वहाँ देख लिया तो डर गए, भाई मैं यहाँ परमानेंट हूँ अब। वहाँ देखो तो वो, मैं यहाँ सोता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ तो वो दिखती है, मैं डर जाता हूँ, मैं इस तरफ देखता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ, मैं फिर डर जाता हूँ, क्या करे बेचारा पति, क्या करे आखिर। अरे नॉट किडिंग, ये सच है। रात को मैं यहाँ सो रही हूँ, इन्होंने मुझे अचानक देखा और ये चीख पड़े हैं। I mean, ऐसे कौन करता है? मतलब मैं इटर्नल बैचलर हूँ, मुझे आदत नहीं है। तेरा पास्ट क्या था मुझे बताओ। मैं जानती हूँ उतना ही, और भी कुछ था जो मुझे नहीं पता है। नहीं यार, I haven't dated a चुड़ैल except for you. No no no. The thing is, अरे यार एक इटर्नल बैचलर हूँ। स्पा मिलेगा अभी, अलग टाइप का पिटाई वाला स्पा मिलने वाला है। अरे आई एम एन इटर्नल बैचलर, मेरी ज़िंदगी में कोई आदत नहीं है कि मेरे कमरे में रहे या सोए, एंड सडनली अभी शादी लॉकडाउन में हुई, आदत नहीं है कि बाहर की दुनिया में भी लोग दिख जाएं, अंदर मैंने देखा कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, सडनली मैं सो रहा हूँ, एंड शादी के बाद की बात है, लाइक यू नो आई एम जस्ट आई केम एंड हम लोग सुबह सुबह शादी हुई थी, दिन को मैं सोया, ऐसे उठा, जैसे ही मैं उठा नहीं, मैं उड़ा बिस्तर से, मैंने कहा अबे तू इधर क्या कर रही है, शी लाइक अबे साले शादी हो गई हमारी, मैंने कहा ओह अच्छा, फिर सो गया। ऐसा कुछ रातों तक चला। तब तो ये बनता है ना, तब तो ये बनता है, इसलिए रट्टा मारो रट्टा, मैं शादी हो चुकी है, इस घर में ये भी रहती है। यही होता है क्या, यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो आपको आपस में जोड़े रखता है। या दैट इज ट्रू। अभी वो क्या करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, प्यार दोस्ती है, ऐसे बाबा शाहरुख खान ने बोला है, तो अभी दोस्ती करके रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो भाई दोनों तरफ से मारेगा, उधर से लड़की इधर से फोटो। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड मिला है एज अ लाइफ पार्टनर, एंड That's the most beautiful thing. Yeah, it is. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सबसे यहाँ से हमारा walk in wardrobe शुरू होता है। So this is the makeup area and this is the wardrobe इस side। हम आपको थोड़ा सा खोल के दिखाते हैं झलक, पूरा डिसऑर्गेनाइज है, पहले ये मेरा पूरे दोनों हुआ करते थे, अब मेरा सिर्फ इतना ही बचा है। ठीक है। बाकी सारे मेरे कपड़े दूसरे वार्डरोब्स में शिफ्ट हो गए, एंड This is a credit which goes to Sangeeta for organizing everything. Everything is so prim and proper in my cupboard. The entire credit goes to this girl for actually organizing my life and my cupboards and my house. Yes. Welcome to our space of joy. Ta-da! हंस रहा है लेकिन दुखी है लड़का अंदर से। शादी जो हो गई है। अच्छा तू तो गया एग्जैक्टली मुझे। यप, सो ओवर टू द नेक्स्ट साइड। ये हमारा व्हाटएवर डेकोर काउंटर, जो भी यहाँ सेंटेड कैंडल वैंडल, उसके नीचे एक केटल है जो अंदर रात को बैठ के चाय कॉफ़ी, क्योंकि ये जो बंदा है वो बहुत शौकीन है, तो जब भी ऐसे इधर आ। एक और महान किस्सा बताते हैं। ये लड़की जब लॉकडाउन में इस जानवर के साथ शिफ्ट हुई तो हुआ ये कि हमारे पास एक नहीं, इसी कमरे में इस बिस्तर का साइज़ आप देख सकते हैं, इस पे 3 लोग सो सकते हैं, लेकिन फिट एक भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे ऐसे डायगोनल सोने की आदत थी, तो बेचारी रोज़ सुबह को ना बीन बैग पे सोई हुई मिलती थी। तो हमारे यहाँ 2 बिस्तर लगते थे, एक बिस्तर यहाँ पे, एक यहाँ पे, जिसको लात लगी नीचे गिरा वो नीचे सो जाए। रात को इनके फोटोज क्लिक करती थी, सबूत भेजती थी, देखो इस वजह से मैं नीचे या कहीं और सो रही हूँ। इसलिए हम लोग गिल्ट के मारे ये किया। फिर एक रात को सडनली क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठे बैठे बोर हो गया, तो मैंने ऐसे ना इसको नॉक, ये सो रही थी ऊपर, मैं ज़मीन पर सो रहा था, मतलब इधर बिस्तर पर सो रहा था, और मैं इसके पास गया, मैंने कहा सुन कुछ खेले, तो इसका डायलॉग था तुझे ना अब तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ के आऊंगी मैं। पहले तो ये जोर से आधी रात को चीखी बोल दिया, किसका बच्चा है यार, इसको लेके जाओ इधर से। यार किसका बच्चा है यार ये, अब तेरे को मैं तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ के आऊंगी। 2:30 बजे खेलने का मन किसका करता है यार, बच्चों का ही करता है ना। सो दैट्स अ योगा एंड स्टफ, बिकॉज यही एक सर्वाइवल है जिसपे हम लोग वर्कआउट, बिल्डिंग में सारी चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ योगा कर लेते थोड़ा बहुत। हम घर से बाहर ही निकल, सारी सब चीजें हम लोग घर के अंदर ही रखते हैं। बहुत आलसी लोग हैं। Yes and This is our favorite place. This is our favorite place. यहाँ पे मेरे सारे बिस्किट चोरी हो जाते हैं। हाँ, इसको सुकून की चाय चाहिए होती है। चाय पी रही होती हूँ और मेरी चाय आधी हो चुकी होती है, क्योंकि जितने मेरे बिस्किट होते हैं ना वो उसी चाय में डुबा के यही खा जाते हैं। इसलिए इसके चाय के टाइम पे मुझे यहाँ से निकाला दे देती है और स्टडी में बोलती है जाके उधर जाके बैठ जा चुपचाप से। सो यार दिन भर में एक सुकून की चाय मिल जाए बस किसी तरह से। पर शादी होगी ना बेचारी की, अभी ऐसे कैसे मिल जाएगी। Come, let's go. और ये वो डेस्टिनेशन है जब मुझे अपने कमरे में से निकाल दिया जाता है। संगीता मुझे बाहर निकाल देती है, तो मैं यहाँ पे आके इनको फिर यहाँ फेंक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मैं स्टडी में आके यहाँ पे या तो पढ़ाई करता हूँ या तो व्हाटएवर। सो दिस इज आवर लिटिल स्टडी एरिया जहाँ यूजली हम लोग मीटिंग्स वगैरह करते हैं, जहाँ हमारी ज़्यादा करके जूम मीटिंग्स या फिर अदरवाइज मीटिंग्स वगैरह होती हैं। So this is our little space for that. Also the mandir, of course, which is right here. What's next? Yeah, this is the mummy ke. Ha, this is the other bedroom. Ta-da. This is again in a bit of a mess, but this is again one of our favorite bedrooms because you wake up to the view, and that's how beautiful it is.